लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और तमाम जगहों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। खासकर नशे के सौदागरों पर विशेष नजर पुलिस की है और लगातार पुलिस को कई कामयाबी भी हाथ लग रही है। अगर बात करें एक दिन पहले की तो तीन का बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी। बुंडू थाना क्षेत्र से 1 किलो अफीम के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुंदाक से 166 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दो और डोरंडा से 32 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक पैडलर को गिरफ्तार किया है। वहीं चुटिया थाना क्षेत्र से एक होटल कर्मी महेश साव के घर से 142 बोतल शराब व बियर जब्त की गई है। तमाम लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा खुद रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर किया था। रांची पुलिस लगातार जो है ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और विगत एक माह से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कई गिरफ्तारियां हुई है, तो रूरल एसपी की टीम ने इसमें बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस डेवलप किया और बुंडू थाना प्रभारी बुंडू डीएसपी जो है इस इंटेलिजेंस को फर्दर प्रोसेस किया और तब पता चला कि एक आदमी जो है वो इसमें बहुत दिनों से संलिप्त है और ये बसंत कुमार महतो नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। साथ में 1 किलो अच्छी क्वालिटी का जो अफीम होता है उसे जब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत हम का करीब 1.25 लाख रुपये होती है और हम लोग जो है फिर इसके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेज का अनुसंधान कर रहे हैं कि इनसे और कौन कौन जुड़े हुए हैं, ताकि हम लोग पूरे ड्रग नेटवर्क का खुलासा करें। शराब के विरुद्ध भी जो है अवैध शराब है उसके विरुद्ध आप कल भी देखे होंगे कि सदर थाने क्षेत्र में छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है सिटी एसपी को इनपुट मिला कि अयोध्यापुरी मोहल्ला है चुटिया का, वहाँ पर जो है घर में रखकर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और कोई जो है जो फास्ट फूड का दुकान चलाता है वो इसमें इन्वॉल्व है। इस पर छापेमारी हुई जिसमें जो है कुल 136 बोतल है 142 बोतल विदेशी शराब जब्त हुआ है और ये जो आदमी है वो अभी फरार है, लेकिन वो चिन्हित हो गया है। हम लोग जल्दी से गिरफ्तार करके इसके फिर जो है पूरे नेटवर्क का पता लगाएंगे। नहीं, ये बिहार नहीं, ये लोकल कंजम्पशन की अभी तक जो बात पता चली है, लेकिन बाकी अब क्या आगे का डिजाइन था वो जब अरेस्ट होगा तब पता चलेगा। ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन का कहना है कि हमने किसी लाइसेंसी दुकान से खरीदा है, पर ये सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है। अगर लाइसेंसी दुकान ने इसे इतनी संख्या में दिया हुआ फिर उनके भी लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई है। उसके दौरान डोरंडा थाना प्रभारी उनके साथ जो है और ऑफिसर रितेश पांडे और सुरेश जो हैं ये मिलकर एक रेड किए डीएसपी हटिया के नेतृत्व में और इसमें जो 32 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया है ये इनपुट सिटी एसपी को मिला था कि साहब जो लोग हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं, ये ड्रग पेडलर हैं और दोनों ड्रग पेडलर अरेस्ट हुए हैं। और इसके बाद जो है हम लोग फिर ड्रग पेडलर को कहां से मिला उस सोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन आरम्भ कर दिया गया है। साफ है कि जिस तरह से राजधानी रांची में नशे के सौदागर अपना जाल बिछा रहे हैं और पैर पसार रहे हैं, ऐसे में पुलिस उन्हें चुनौती के रूप में लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। हर दिन ब्राउन शुगर अफीम से जुड़े लोगों को जो कारोबार इसका करते हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है। पुलिस की इस कार्रवाई से तस्करों और सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार दिन हो या रात पुलिस विशेष पैनी नजर रखकर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने में जुटी है, जिससे झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले तमाम युवाओं का भविष्य किसी तरह से बचाया जा सके। देखा जा रहा है कि खासकर डोरंडा का इलाका हो, पुंदाक का इलाका हो या फिर सुखदेव नगर रातू रोड का इलाका हो, इन इलाकों में जो ड्रग्स पैडलर है ब्राउन शुगर बेचते हैं और वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और यही कारण है कि हर दुकान तक वह ब्राउन शुगर पहुँचा रहे, चोरी छिपे घर घर सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो नशे की लत में आकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने को मजबूर हो जा रहे हैं। एक इससे ही जुड़ा कह सकते हैं कि मामला आया था कल देर रात की, एक लड़के ने बरियातू इलाके में आत्महत्या कर ली और वह नशे का आदि था। तो साफ है कि जब नशे का सामान उन्हें अगर नहीं मिलेगा तो वह किसी तरह का कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। द न्यूज़ पोस्ट भी तमाम लोगों से अपील करता है कि अपने बच्चों पर नज़र जरूर रखें कि वो कहाँ जाता है, किसके संगत में है और जिस तरह से राजधानी रांची में नशे के सौदागर अपना जाल फैला रहे तो ऐसे में उन पर भी चौकसी रखें और अपने स्तर से भी अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो तुरंत अपने नज़दीकी थाना और पुलिस को सूचना दें, जिससे रांची को नशे उड़ता पंजाब होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ पोस्ट रांची।